इस वीडियो में तुकोजी की हो चुकी है मुहिम से वापसी और स्वागत करने के लिए है मल्हार सरकार और गौतमा रानी साहब। सौंदर्या लाई है खाने के लिए कुछ बहुत ही लजीज, लेकिन पेट तुकोजी का रखमा की डांट खाकर ही भरेगा। और जाते जाते देखिए आपके लॉर्ड गुनो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए पुण्य श्लोक अहिल्या बाई के सेट पर। So it's almost 6:30 and we've reached the set. आँखों में नींद है मेरे अभी भी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतने दिनों के बाद सेट पे वापस आया हूँ तो वो सब भूल के एक नई एनर्जी के साथ आई शुड एंटर द सेट। अंधेरा है, थोड़ी सी ठंड है बिकॉज नायगांव इज अ लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम बॉम्बे। देखते हैं क्या होता है, आपको मैं सेट दिखाता हूँ। सो दिस इज द एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ आर सेट। यहाँ पे हम सब बैठ के रीडिंग करते हैं। गुड मॉर्निंग दादा, कैसे हो? मनीष तैयार हो कि नहीं भाई, शूटिंग के लिए तैयार हो कि नहीं? हाँ, दैट्स द एनर्जी। यस नाश्ता भी तैयार है, लेट्स होप इट्स समथिंग हेल्दी। गुड मॉर्निंग अंजुम दादा। अंजुम कैसे हो दादा? हमारे करता धरता है द केयर टेकर ऑफ द सेट। कैसा लग रहा है अंजुम दादा? दो हफ्ते के बाद है तुकोजी, आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, थोड़ा दुबला दिख रहा है। थोड़ा दुबला दिख रहा हूँ, बस यही चाहता हूँ मैं। अब मेंटेनेंस कर रहे हैं आप? मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। तो मेकअप रूम तो आई गेस यू गाइस हैव ऑलरेडी सीन। अभी हमारा शूट शुरू होने में अराउंड 2-2.5 hours बचे हैं। तब तक मेकअप, कॉस्ट्यूम, लर्निंग द डायलॉग्स, ये सारी चीजें, प्रेपरेशन जो है वो पूरी होगी। आज तुकोजी के जो दो सीन्स हैं दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एक डिफरेंट फैसेट ऑफ तुकोजी विल बी सीन। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुहिम से तो वापस आ रहे हैं एंड उसके बाद क्या रिएक्शन होगा, किस तरीके से हम उनको शूट करेंगे। तो बस एक्साइटेड हूँ मैं, आज तैयार हो जाता हूँ। भूख लग रही है, लेकिन यार नाश्ते में यहाँ पे पराठा और सब्जी है एंड आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस लिटिल बिट ऑफ वेट, तो सिर्फ कॉफ़ी पी के काम चलाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, आज मैं एक्साइटेड हूं तो भूखे पेट हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। बोलो कट। बहुत बड़ी मुहिम पर विजय प्राप्त की है तो कुछ ने वो भी। My first scene is done and अभी बीच में थोड़ा सा टाइम है रखमा के साथ जो सीन है उसके पहले। सारजा का मुझे फोन आया है कि भाई जल्दी से रूम में आ जाओ। सारजा ना हमेशा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा खाने के लिए बना के लाती है, तो हम एक्साइटेड देखते हैं कि सारजा जी आज क्या लेके आएंगे। सारजा जी नमस्कार, हाय बोलिए, कहाँ गई आप? हाँ ये लीजिए, सारजा को हेलो बोलो भाई, क्या लेके आई हैं आज हमारे लिए? आज हम लेकर आए हैं फ्रेंच टोस्ट, पाइनएप्पल फ्रेंच टोस्ट। ओह माय गॉड, विद कैरमलाइज्ड बनाना। इस पे लगाओ। अच्छा, और फिर खाओ। ओके, पता नहीं कहाँ से सीख के आई है, मास्टर शेफ, थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। खाओ खाओ खाओ।
कुछ फायदे तो होते हैं शूट पे आने के। मेरी तरफ से सारजा को थोड़ा प्यार दे दो सारजा। थैंक यू सो मच। एक्शन। गाइस तो मेरा हो गया है पैकअप। ये देखिए कौन है। आपके अभी दो सीन बचे हैं बेटा। आप 7 बजे आपका पैकअप होगा। मेरा पैकअप हो चुका है, मैं चल रहा घर। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा काम करने में बिलीव करते हैं, ज्यादा काम अच्छा काम करने में। अरे बड़े एक्टर हैं आप, बड़े एक्टर हैं। हम तो काम करेंगे, आप जाइए आराम से, है ना। वैसे अभी घर में तुरंत नहीं पहुंचूंगा, सेट से मेरा घर 2 घंटे दूर है, तो द जर्नी इज लॉन्ग। लेकिन ठीक है, कम से कम आज के लिए मेरा काम खत्म हुआ। तो कुछ मुहिम से आए, बहुत बढ़िया स्वागत हुआ, रखमा के साथ बहुत अच्छा सीन हुआ, और अब मैं जा रहा हूँ घर। जय। तो गाइस आज पहला यू नो इट वाज लाइक अ डे ऑन सेट। तुक्कू जी वापस आए हैं, आप सभी के लिए पहली बार मैंने ऐसा ब्लॉग भी शूट किया है। सो आई होप यू एंजॉयड इट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगला वीडियो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। कौन सा आने वाला है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्पेशल वीडियो है। अच्छा हाँ, मुझे भी नहीं पता कौन बड़ा। तुमने सब्सक्राइब किया है कि नहीं अभी तक? मैंने तो कर लिया। कर लिया ना आपने? किया तुमसे, आप लोगों से पूछ रहा है, बोलो उनसे। हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूँ, आपने किया? कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके चलो।